पार्ट आठ राजा का हिस्सा। आई होप आपने राजा रानी की कहानी तो बहुत सारी सुनी होगी, राइट? सो राजा कैसे होते हैं? बहुत दयालु होते हैं, प्रजा की मदद करने वाले होते हैं, राइट? ओके, सो अब हम देखेंगे कि इस कहानी में हमको क्या होना था। इस कहानी में हम देखेंगे कि एक राजा जो है वो प्रजावत्सल है। क्या है प्रजावत्सल? मतलब प्रजा प्रेमी, जिसे अपनी प्रजा से यानी नगरवासी से उसको बहुत प्रेम है, उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। राजा प्रजा की कठिनाइयों के में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते। तत्पर रहना यानी हमेशा हाजिर रहना। जब भी प्रजा को कोई भी परेशानी होती थी तो राजा उनकी मदद करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते थे, राइट? हमें भी ऐसा बनना चाहिए, कभी किसी को हेल्प चाहिए हमें कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। ओके, सो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे अभी। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल से। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे प्रजावत्सल। प्रजावत्सल मतलब प्रजा प्रेमी। प्रजा प्रेमी वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे। स्वयं यानी खुद जाते थे, किसी और सेवक को, मंत्री को या किसी को नहीं भेजते थे, बट ये खुद जाकर के सारों की मुश्किलें देखते थे कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, और उन्हें इस तरह यथासंभव दूर किया करते थे। यथासंभव यानी कि उनसे हाथ से जो बन सके, जो उनसे संभव हो। तो यहाँ पे हम वर्ड लिख सकते हैं यथासंभव, राइट? यथासंभव मतलब जो संभव हो। ओके, एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिन राजा और रानी मिलकर के कहाँ निकले थे? भ्रमण करने। भ्रमण मतलब घूमने निकले, घूमने निकले थे। सो भ्रमण का मतलब क्या होगा? घूमना। भ्रमण मतलब घूमना। ओके, सो वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। अपने राज्य की जो राजधानी है उससे भी वो काफी आगे निकल गए थे। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, यानी वो हल चला रहा था, मगर उसके हल में एक ही बैल है। आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि वो किसान हल चला रहा है और एक उसके पास एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है और दूसरा बैल जहाँ होना चाहिए, आपने भी देखा होगा कि हल दो बैल के ऊपर चलता है। यहाँ पे एक बैल है और एक उसकी वाइफ यानी कि उसकी स्त्री यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो क्या करे, वो भी हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को कोई भी हल में जोता जाता है? आपने कभी सुना है अत्याचार? अत्याचार मतलब किसी के ऊपर जुल्म ढाना। अत्याचार मतलब जुल्म। उसको पता नहीं था कि ये राजा है, पर राजा होता तो उसका मान इज्जत देकर के वो उनके साथ
खड़े रह जाते। नेक्स्ट पेज पर राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। जैसे किसान ने बोला कि जो बात है चलते चलते करो, तो राजा भी उसकी बात मान गए। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। उसको अपने काम की तरफ लगन देखी, क्या उसको इच्छा कितनी अपना काम करने की। वरना अगर कोई और होता तो बोलता हाँ हाँ बोलो बोलो क्या कर रहा है, अपना काम छोड़ करके भी वो उनकी बात जरूर सुनता। बट इसने ऐसा नहीं किया, इसको अपने काम की पहली प्रायोरिटी थी, उसको अपना काम पहले करना था। तो उसने बोला कि नहीं, चलते चलते बात करो अगर करनी हो तो। वह बोले भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। ओके, तो राजा जी ने उसको क्या कहा कि अगर इस प्रकार तुम्हारी पत्नी काम करेगी तो और थकावट की वजह से दूसरा कोई काम नहीं कर पाएगी। तो किसान बोला तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। राजा ने कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। तो उसने बोला मगर इतनी देर में मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम्हारी बैल ला दो। ऐसा किसान बोला। ऐसा किसने बोला कि अगर मैं तुम्हारे साथ बैल लेने चलूंगा तो मेरा काम मुझे रोकना पड़ेगा, इससे अच्छा तो तुम बैल ला कर आओ। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। ऐसा राजा जी ने कहा कि अगर तुम नहीं चल सकते तो तुम्हारी पत्नी को मेरी पत्नी के पास जहाँ पे रथ हमारा खड़ा है वहाँ पे भेज दो, तो वहाँ से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हाल में झूठूंगा। ऐसा राजा ने कहा कि जब तक तुम्हारी पत्नी जा रही है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे झूठूंगा। किसान इस बात पर राजी हो गया, राजा भोज हल में झूठ गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। राजा ने वो हल ले लिया और खुद उसमें झूठ गए और पत्नी को, किसान की पत्नी को कहाँ भेजा, अपने वाइफ के पास नहीं अपनी पत्नी के पास। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा तुम्हारा बैल तो कमजोर हो गया होगा। कमजोर यानी उसमें कोई बल नहीं है, यानी निर्बल हो गया वो। आपको बीमार हो जाता तो आपको कमजोरी आ जाती है ना बॉडी में, तो कमजोर यानी कि निर्बल। ओके, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा। राजा का बैल है ऑब्वियसली खाएगा पिएगा और तगड़ा होगा, पर किसान का बैल तो खुद खाएगा कि बैल को खिलाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा बैल कमजोर होगा तो दूसरा एक मजबूत और एक कमजोर को ना चले। इसलिए उसने बोला कि तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। ओके, राजा भोज ने क्या कहा, राजा भोज ने कहा अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। राजा भोज ने उसको बोला कि कोई भी दिक्कत हो, दिक्कत यानी परेशानी, आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, उसको क्या आश्चर्य हुआ कि जितने हिस्से में राजा ने जितनी देर तक हल चलाया उतने हिस्से में क्या हुआ, उस हिस्से में मोती निकले थे यानी मोती उगे थे। बाकी के हिस्सों में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे, और उम्दा किस्म मतलब बहुत ही अच्छे प्रकार के यानी उत्तम प्रकार के। उम्दा किस्म के, उम्दा किस्म मतलब उत्तम प्रकार के। उत्तम प्रकार के
किसान बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होना मतलब खुश होना, वो बहुत खुश हो गया कि मोती भी निकले और जो फसल हुई वो भी बहुत अच्छी हुई है। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। उसने राजा को पूरी बात बताई, जितने हिस्से में आपने की थी उतने में वहां पे क्या हुआ, मोती उगे और बाकी सारी जगह पे भी अच्छी फसल हुई है। तो राजा ने कहा, यह मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। राजा तो बहुत प्रजावत्सल थे, राइट, प्रजा प्रेमी थे, यानी वो दयालु भी थे। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो है तुम्हारे खेत में उगे हैं तो ये इसका इसके ऊपर तुम्हारा ही हक रहेगा। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। और मेहनत जिसने की ऑब्वियसली फल भी तो उसी को मिल रहा है। तो वो राजा जी को बोल रहा था कि मेहनत आपने की है तो इसका परिश्रम का जो फल मिलेगा वो आपको ही मिलना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले लें। उसने ऐसे नहीं बोला कि आप रख लीजिए, उसने बोला कि गरीबों के काम में आप यूज कर सकते हैं उसको। किसान ने प्रार्थना की, ऐसी प्रार्थना किसने की थी, किसान ने की। तो किसान की यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गए। राजा को खुशी हुई कि एक किसान गरीब है, वो किसी और गरीब के बारे में सोच रहा है, मुझे बोल रहा है कि आप मोती ले लो और किसी और गरीब की मदद कर सकते हैं। तो ये सारी बात सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती का स्वीकार कर लिया। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 राजा का किस्सा खत्म होता है। सो आई होप आप सारे वर्ड्स अपने नोटबुक में जरूर लिखेंगे एंड यस, आपको इसके वर्ड मीनिंग यानी कि शब्द के अर्थ याद करने हैं। ओके, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम सीखेंगे हमारे ग्रामर के बारे में, राइट। सो टिल दैट टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ। सो હવે આપણે શીખીશું પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કેવી રીતે બનાવવા અને તેના યસ નો માં ઉત્તર। સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ વિલ રાઈટ ધ હેડિંગ, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવો, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય અને યસ તથા નો માં ઉત્તર। ઓકે, प्रश्नार्थ वाक्य। सो पहली बात, जेम तमने अहीं प्रश्न आपेलो छे, सिंपल वाक्य आपेलू छे, ही इज अ बॉय। आ रीते पहला तमने एक सेंटेंस आपेलो छे, हवे तमारे आने कन्वर्ट करवानो छे प्रश्नार्थ वाक्य में। सो प्रश्नार्थ वाक्य ना मेन टू रूल, फर्स्ट के जे अहीं क्रियापद आवे छे एम होय, इज होय के आर होय, जो आपणे આગળ ભણી ગયા એમ ઇઝ આર કોની સાથે યુઝ થાય અને ક્યારે યુઝ થાય છે। ઓકે, સો જો જેવી વર્બ હોય એટલે કે ક્રિયાપદ હોય તો તમે એ ક્રિયાપદ તમારે શું કરવાનું છે, ક્રિયાપદને તમારે આગળ લઈ આવવાનું છે અને એ ક્રિયાપદ શું થઈ જશે, કેપિટલ ફોર્મમાં થઈ જશે, વાક્યની શરૂઆતમાં મૂકવાનું છે અને અંતે શું આવે છે, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન। આ સાઇન છે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, આ સિમ્બોલ કહેવાય ક્વેશ્ચન માર્ક પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન। તો જેમ મેં તમને કહ્યું કે આ ઇઝ ને તમારે આગળ મૂકવાનું છે, તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ તમારે સૌથી પહેલા વાક્યમાં ક્રિયાપદ ને આગળ લેવાનું યાની કે શરૂઆતમાં મૂકવાનું, અને જો તમે શરૂઆતમાં મૂકતા હોય તો તેનો ફર્સ્ટ લેટર કેપિટલ થઈ જાય, રાઈટ। સો આઈ એસ ઇઝ, આઈ આ સ્મોલ માં છે બટ જ્યારે ફર્સ્ટ પોઝિશન આવશે એટલે શરૂઆતમાં આવશે તો આઈ કેપિટલ હોવો જોઈએ, પછી આવશે આ કરતા। સો આ કરતા ને પછી આપણે શું કરી દેવાનું, આ બાજુ ટ્રાન્સફર કરી દેવાનું, તો હી ઇઝ ની જગ્યાએ ઇઝ હી થઈ જશે, પછી એચ જે છે એ ઓટોમેટિક સ્મોલ લેટર્સ માં કન્વર્ટ થશે એટલે કે સ્મોલ લેટર એ બીસીડી માં થઈ જશે। તો હી ઇઝ નું કરવાનું છે ઇઝ હી, અને પાછળ જે લખેલું હોય એમ ને એમ, અને લાસ્ટ માં અહીંયા તમારે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ હતું તો ત્યાં ફૂલ સ્ટોપ આપેલું હતું, બટ નાઉ आप क्या कर रहे हो उसको क्वेश्चन सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हो, तुम इन्हें प्रश्नार्थ वाक्य में फेरवो छो। तो प्रश्नार्थ वाक्य माने तुम्हारे प्रश्नार्थ चिन्ह तो मुकु पड़े तो उस क्या लगा तुम प्रश्न पूछो छो कि तुम इनो जवाब आपो छो, राइट। सो ही इज अ बॉय आ सिंपल विधान तुमने आपेलो होशे, तुम्हारे तेमाथी प्रश्नार्थ करवानो इज ही अ बॉय,
છે તો આપણે તેનો જવાબ બંને માં આપવાનો છે યસ અને નો માં તો પહેલા આપણે લખશું કે યસ માં એની યસ આ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની રહેશે કે ફર્સ્ટ લેટર ઓલવેઝ કમ્સ કેપિટલ ફર્સ્ટ લેટર હંમેશા કેપિટલ જ હોવો જોઈએ યસ યસ પછી કોમા પછી જે કરતા આપણે આપેલો હોય તે યસ હી અને લાસ્ટ માં ઇસ અને લાસ્ટ માં તમારે શું કરવાનું ફૂલ સ્ટોપ યસ ડોન્ટ મે ફોરગેટ ટુ પુટ ફૂલ સ્ટોપ યસ હી ઇઝ અબ નો કી ટર્ન આઈ તો નો માં કેવી રીતે લખશું નો હી ઇઝ નોટ પણ લખી શકો છો અને આની જગ્યાએ તમે એનું શોર્ટ ફોર્મ ઇઝન્ટ બી યુઝ કરી શકો છો ઇઝ નોટ અથવા તો ઇઝન્ટ સો આ ફોર્મેશન છે તમારે કેવી રીતે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવું અને યસ નો માં આનો ઉત્તર આપવો સિમ્પલ સેન્ટેન્સ આપેલું હશે ક્રિયાપદને આગળ લાવો કર્તાને પાછળ અને અંતમાં ફૂલ સ્ટોપ પછી જવાબ આપવાનો યસ માં તો યસ માં યસ પહેલા કોમા કર્તા ક્રિયાપદ રાઈટ પછી નો માં તો નો કોમા કર્તા ક્રિયાપદ પ્લસ નોટ સો આ આખી ફોર્મેશન છે આ રીતે તમારે આગળના એક્ઝામ્પલમાં પણ જવાબ લખવાના રહેશે ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ